हरियाणा में हो, चाहे वो लखनऊ के घंटाघर में हो, चाहे वो रांची में हो, चाहे वो बिहार की उन सारी जगहों पे हो, चाहे वो केरल में हो, चाहे वो तमिलनाडु में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, पूरे देश के हर कोने में जो 60-70 शाहीन बाग है और जो हमारी माए हमारी बहने हैं, आपने निकल के इस सरकार को निर्मित किया है, आपने निकल के सरकार को एक मैसेज दिया है और वो मैसेज इतना सिंपल सा है कि लोकतंत्र में लोगों को सरकार से डरने की जरूरत नहीं है, सरकार को लोगों से डरने की जरूरत है। द पीपल शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट शुड बी अफ्रेड ऑफ द पीपल, बिकॉज वी इलेक्टेड देम, हमारे वोट से उन्होंने सरकार बनाई है। अगर हम चाहें तो जैसे उनकी सरकार बनाई है, आने वाले दिनों में उनकी सरकार गिरा सकते हैं और ये धर्म को होना चाहिए। इनको लगने लगा था ये बहुत बड़े हैं, ये क्या गलती कर चुके थे, अपने आप को खुदा समझने लगे थे। तुमसे पहले जो है राष्ट्र रखी था, उसको भी अपना खुदा होने का इतना ही यकीन था। जब फिरौन गिर गया तो तुम किस खेत की मूली हो, उद्धव ठाकरे साहब
दरखास्त है कि आप इस बात को भी खुले तौर पे बोलिए, लिखित में बोलिए, अपने असेंबली के अंदर एक रेजोल्यूशन लेकर आइए कि महाराष्ट्र के अंदर एनपीआर नहीं होगा। ये आपसे अपील है भाई, आज हम अपील कर रहे हैं, आज हम दरखास्त कर रहे हैं, हम बहुत हम्बली बहुत विनम्रता से आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।